मैं हूं मुन्ना एशिया टेलीकॉम से। तो आज सर ने जो हम लोगों को पढ़ाया वो है लाइट सिक्स है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। शॉर्ट करा हुआ है उसको, जम्पर लगा। जैसे मेरा DTDC आईसी है पहले, उससे 4 वोल्ट VPH आएगा, तो वो आएगा आपका 6 नंबर का जो IC होता है वो ज़्यादातर चलता है, तो उसका पहले 6 नंबर पे आएगा VPH इन होगा, तो यहाँ से एक बूस्ट कॉइल होगा 10 माइक्रो हेनरी का, तो उससे वो चला जाएगा आपका डायरेक्ट डायोड से, जो डायोड डायोड का प्लस पॉइंट से और उससे माइनस पॉइंट से LED A का पॉइंट डिस्प्ले का डिस्प्ले में चला जाएगा, जहाँ पर रहेगा 150 वोल्ट का कैपेसिटर। ओके, और दूसरी बात है उसका माइनस पॉइंट जो है वो आएगा आपका एक नंबर से एक तो रेजिस्टेंस जो 5 ओम से 10 ओम तक रहेगा वो लाइन जाएगा K1 का लाइन हो जाएगा डिस्प्ले पॉइंट पे। मेरा प्लस माइनस हो गया लेकिन इससे मेरे डिस्प्ले चलने वाला नहीं है। okay. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक 1.8 का वोल्ट चाहिए जो आएगा जिसका नाम है CABC। जब डिस्प्ले लाएगा फोन ऑन करेगा तब ये लाइन, जब यहाँ पे PWM 1.8 जो आएगा मतलब 5 नंबर पिन पे, तब भी डिस्प्ले का जो है यहाँ पे बूस्ट करेगा, कॉइल बूस्ट करेगा और यहाँ से हमको वोल्टेज आएगा 15 से 40 तक वोल्ट आ जाएगा, तब भी ये लाइट सिस्टम काम करेगा। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम, ये समझ रहे के थैंक्स। तो हेलो सर, तो हम एशिया टेलीकॉम पे है, आज हमारा ग्राफिक्स का क्लास था और हमने उसको अच्छे से मतलब सर अच्छे से पढ़ाया, और PMI, PML और 63P और 15 पिन का जो यूनिवर्सल IC है उसको भी अच्छे से पढ़ाया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और आपका CPU EMC RAM कुछ भी नहीं रहेगा तो हम उसको बाईपास करके पूरा रेडी कर सकते हैं, मतलब चालू कर सकते हैं, उसको बाईपास करना सीख गए। ऑल द बेस्ट एशिया टेलीकॉम। ये क्या क्लास थी आज हमारी? लाइट सेक्शन। तो आप में से किस किस का लाइट जला? सबका लाइट जला है? मतलब तरीके से? मॉडिफिकेशन के साथ? ऑल सर्किट क्लियर है? D8 होता है, D5 होता है, D6 होता है, या फिर 6 leg होता है, PMI होता है, PML होता है, या 63P, सबके डाउट क्लियर है? अब ये बताइए कि बिना CPU EMC पावर के लाइट किस किस ने जलाया यहाँ पर? सबने जलाया लाइव प्रैक्टिकल के साथ? यस सर। अभी हमारे पास से सेट रिटर्न जाएगा क्या? नो सर। देखो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि एक ही दिन में लाइट भी पढ़ाते हैं, ग्राफिक्स भी पढ़ाते हैं और टच भी पढ़ाते हैं और AMOLED भी पढ़ाते हैं। हमने हर सेक्शन को अलग अलग रखा है। यस सर। क्यों अलग अलग रखा है? ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एशिया टेलीकॉम मतलब एशिया टेलीकॉम मतलब थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप नेपाल से हैं तो आप मेरे इस नेपाल के स्टूडेंट का फीडबैक देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप इनको इनका डायरेक्ट नंबर चाहिए तो आप हमारे दिए गए 7000731192 पे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास अभी नेपाल के 2 स्टूडेंट हैं और जो फ्रेशर हैं, जिनमें कभी भी CPU EMC को छोड़ो जिन्होंने कभी कोई IC पर काम नहीं किया, पर ये अपनी लाइव पावर IC लगा के 30 दिन में और 14 दिन में लाइव 4G CPU लगा कर बैठे हुए हैं। इवन फेसबुक में इन्होंने लाइव CPU भी लगाया है, लगा के और सर्किट को मॉडिफाई करके इन्होंने काफ़ी लेवल तक इन्होंने सीखा है। आप इनसे एक्सपीरियंस गेन करो कि क्या इनका इंडिया आकर एशिया टेलीकॉम में सीखना, रहना खाना सब कुछ सिर्फ एक सिंगल फीस, जिसमें अब इनको मैं 5G कोर्स का अपडेट दूंगा 3 महीने के जाने के बाद में, इनको नेपाल में बैठे बैठे, और प्लस इनको अपना ऑनलाइन पूरा आईफोन का कोर्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेपाल में, और इसके अलावा लाइफ टाइम का बैकअप इनको मिलने वाला है सिर्फ एक फीस में और ज़िंदगी भर का संबंध। तो ये आपको भी मिल सकता है, आप बस कॉल करो। सो हाय दोस्तों, अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन आते हैं, आप रिपेयर कर रहे हो या टेक्नीशियन हो या कहीं सीखने गए हो, तो आपने ये नॉलेज सुन लिया होगा कि आपके फ़ोन के अंदर एक अब सिंगल पावर नहीं आती है, डुअल पावर आती है, और इवन अब 5G हैंडसेट में 3 पावर या 4 पावर और अब MediaTek के अंदर तो 5-5 पावर का सर्किट है। जनरली दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, तो सबसे पहले जो पहली पावर आई थी उसके बाद जो कंसेप्ट आया था वो सब पावर का आया था। तो उन्होंने क्या किया, लाइट और ग्राफिक्स और DC to DC एक IC बना के प्रोटेक्शन के तौर पर एक सब पावर आपको दे दी जो कि चार्जिंग IC है। उसके बाद अब उन्होंने क्योंकि CPU हैवी हो गया, ग्राफिक्स बदल गए, तो उन्होंने कोर पावर लॉन्च किया जो CPU के बग कॉइलों को हैंडल कर सके,
ग्राफिक्स हो गए, डाटा रैम के सप्लाई हो गए, तो उसके लिए ताकि पावर पे लोड ना आए और एक पावर के अलावा भी दो पावर हो जाए। इस तरीके से आप सेट के अंदर अगर सीपीयू ज़्यादा अच्छा है आपका, बड़ा है और अच्छे क्लॉक स्पीड पे काम करता है, तो वो तीन पावर या चार पावर को भी रख सकता है। आपको सिर्फ उसका बूट स्कैन समझना है कि चारों पावर कब ऑन होती हैं और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो हाय दोस्तों, अगर आप लोग फ्रेशर हो, आईसी नहीं लगाते हो, कनेक्टर या डिस्प्ले पे काम करते हो, फोल्डर वोल्डर बदलते हो, या आप नॉर्मल आईसी लगा रहे हो पर आपको सीपीयू लगाने से डर लगता है, या आपको अभी भी नहीं पता है कि आईसी लगा दी पर सर्किट कैसे बनाया और सर्किट आपको नॉर्मली फॉल्ट फाइंडिंग में आपको दिक्कत हो रही है, नेटवर्क सेक्शन हो गए, डेड सेक्शन हो गए, तो ये सुनहरा अवसर है। एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करो, क्योंकि एसर टेलीकॉम एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में सबसे बड़ी लैब लेके बैठा है, प्लस आपसे आईसी लगवाने की गारंटी देता है, प्लस आपसे सर्किट आपको ट्रेस करवाएगा, मॉडिफाई करवाएगा, आपसे EMMC UFS सब कुछ, और ये पूरा एक्सपीरियंस स्किल के साथ आपको मिलने वाला है। एक फीस जहां आपको रहना फ्री, खाना फ्री, आपके वर्किंग बोर्ड फ्री, आईफोन का ऑनलाइन कोर्स फ्री उसके साथ 3 महीने के बाद, और आपके आपको मिलने वाला है आपके 5G का अपडेट, और ये सिर्फ एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो कम फीस के चक्कर में मत पड़ो, एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करो, एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट के साथ में काम करो। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फ़ोन टीचर से फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं।